नमस्कार आप सभी को। आज के वीडियो में हम PFMS, जो नया हमारा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें किस तरीके से हम कार्य करेंगे इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ PFMS का जो अकाउंट होता है, उसमें हमारा विद्यालयों में जो हमने जीरो बैलेंस का खाता खुलवाया है, वर्तमान में जब हम बैंकों में जाकर उसमें एंट्री करवाते हैं तो जीरो बैलेंस ही शो होता है। तो पहले की प्रक्रिया जो थी, उसमें वर्तमान में इस नए सिस्टम के द्वारा चेंजेस आ गया है, और इस नए सिस्टम को जानना वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले PFMS का जो पोर्टल है, उसमें सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले गूगल में हम PFMS यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो PFMS यहाँ पे दिख पा रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करते हैं, इस तरीके से PFMS का जो वेबसाइट है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप सभी को पहले ही अपने उच्च कार्यालय, जिला या ब्लॉक स्तर से आपको 3 प्रकार के आईडी और पासवर्ड मिले होंगे, जो एक स्कूल का होगा, साथ ही साथ सचिव और कोषाध्यक्ष, इन सभी का होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉगिन, साथ ही साथ 2021-22 जो सत्र है, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम में जो हमें जिले से हमें या ब्लॉक से हमें जो आईडी पासवर्ड मिला, उसे यहाँ पे फिलअप करते हैं। ध्यान यह रखना है कि जो पहला आईडी है, जो जन भागीदारी का है, उसे ही यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। इस तरीके से क्लिक करने के बाद हमारे सामने यह नया पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप टॉप राइट साइड में देख पा रहे हैं जो हमारा आईडी है, चेंज पासवर्ड, लॉगिन हिस्ट्री दिख पा रहा है। यहाँ पे हमारा यूज़र टाइप, एजेंसी, एजेंसी यूनिक कोड, फाइनेंशियल ईयर, यह सब दिख रहा है। इसके बाद लेफ्ट साइड में आते हैं तो हमें यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। विद्यालय में हमारी जो भी अनुदान आया है, राशि आया है, वह कैसे जानेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 5वें नंबर पे मास्टर्स दिख रहा है। तो यहाँ पे ड्राइंग लिमिट ऑफ एजेंसी दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। मास्टर पे जाने के बाद ड्राइंग लिमिट ऑफ एजेंसी, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्कीम, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्कीम जो भी आता है। यहाँ पे लेवल पूछा जा रहा है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर या स्कूल लेवल, तो स्कूल लेवल है तो स्कूल हमारा लेवल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एजेंसी नेम, यूनिक कोड इसको छोड़ देते हैं। एजेंसी टाइप, तो ये एजेंसी टाइप में हम स्टेट, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। स्टेट जो भी हमारा स्टेट है वह सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक और पंचायत यहाँ पे शो हो जाएगा, उसे सेलेक्ट कर लेंगे, और विलेज। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे सर्च बटन या ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो भी विद्यालय से रिलेटेड समग्र शिक्षा का जो हमारा नवीन खाता है जीरो बैलेंस वाला, उसकी जानकारी हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एजेंसी कोड, स्टेट नोडल, पेरेंट एजेंसी, समग्र शिक्षा, गवर्नमेंट, स्कूल का नाम जो भी है, टोटल लिमिट कितना है वह हमें हमारे सामने शो हो रहा है। एक्सपेंडिचर लिमिट्स कितना है, खर्च की सीमा कितनी है, लिमिट फॉर चाइल्ड एजेंसीज 0, बैलेंस एक्सपेंडिचर लिमिट्स बैलेंस कितना है, बैलेंस चाइल्ड लिमिट्स और स्टेट नोडल अकाउंट नंबर, यह सभी हमारे सामने शो हो रहा है। इस तरह आप समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय को जो अनुदान राशि प्राप्त हुआ है उसकी जानकारी पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।